दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल इंटरेक्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक नॉर्मल YouTube चैनल को एज ए ब्रांड अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जानना है कि अपने YouTube चैनल को एज ए ब्रांड अकाउंट कैसे शिफ्ट करें, दोस्तों आज का ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो और देख लेते हैं कैसे आप अपने YouTube चैनल को एज ए ब्रांड अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी से आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में पहली बार आए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने YouTube अकाउंट को एज ए ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो है। तो आपको दोस्तों सिंपली YouTube.com पे चले जाना है अपने डेस्कटॉप या मोबाइल से, और यहाँ दोस्तों आपको अपने लोगो पे क्लिक कर देना है। और लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, सिंपली आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग का, आप सिंपली यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका डेटा कोई लॉस नहीं होगा, सिंपली आपका जो नॉर्मल यूट्यूब अकाउंट हो वो एज ए ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मूव चैनल, मूव ए चैनल टू ब्रांड अकाउंट, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो यूट्यूब अकाउंट यानी कि आपका जो चैनल है वो एज ए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ दोस्तों अपना पासवर्ड फिलअप कर लिया और सिंपली आप कर दीजिए यहाँ पे नेक्स्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। यहाँ साइन इन करने के बाद आपने अगर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन अगर ऑन नहीं किया आपने यूट्यूब चैनल पे, दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना टू स्टेप ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आपको भी ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप ऑन नहीं करते हो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन को, तो आपका दोस्तों जो यूट्यूब अकाउंट हैक हो सकता है, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना टू स्टेप ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऑन कर लें। देखिए दोस्तों यहाँ पे मूव टू ब्रांड अकाउंट जाने से पहले आपको यहाँ पे दोस्तों एक ब्रांड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोई पहले का अकाउंट हो, तो मेरा यहाँ पे कोई ब्रांड अकाउंट नहीं जिस पे मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर पाऊँ, तो यहाँ पे आपको पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सेम नाम पे, या आप चाहें तो उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम ऐसे होने वाली नहीं है। तो मैं यहाँ दोस्तों सिंपली एक नया चैनल बना लेता हूँ। चैनल बनाना बहुत ही सिंपल है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे फिर से जाना है YouTube.com पे। YouTube.com पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फिर लोगों पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ दोस्तों आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा ऐड और मैनेज योर यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा क्रिएट अ चैनल, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ दोस्तों एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आप दोस्तों अपने नाम से ही इस चैनल को क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं जो उस चैनल पे थे वो मेरे नए वाले चैनल पे शिफ्ट हो जाएं, और इससे दोस्तों आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा, आपका वीडियो सारे इस पे आ जाएंगे और सारा एक्सेस आपको इस पे मिल जाएगा। तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे आपको इसका ईमेल आईडी वगैरह चेंज करना है। तो सिंपली आप अपना चैनल यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना चैनल क्रिएट कर दिया हर्ष विश्वकर्मा के नाम से। आपका जो नाम हो आप अपने नाम पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ब्रांड अकाउंट दोस्तों वो बिल्कुल तैयार है, और दोस्तों आपको सिंपली अब इसको कट कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है इसी पेज को। तो देखिए दोस्तों हमारा ब्रांड अकाउंट यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। तो आप यहाँ पे दोस्तों उस ब्रांड अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने मेन चैनल को। मैं आप दोस्तों सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ दोस्तों जीरो सब्सक्राइबर और इतने चैनल वाले हैं, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए दोस्तों सिंपली। तो आपका देखिए दोस्तों चैनल कुछ इस प्रकार शिफ्ट हो जाएगा। आपका जितने सब्सक्राइबर यहाँ पे थे आपको उतने सब्सक्राइबर आपके नए चैनल पे भी आ जाएंगे। देखिए आपका नया नाम यहाँ पे दोस्तों शो हो रहा है, और आपका लोगो दोस्तों जो था उस पर यहाँ पे भी आ जाएगा। आप सिंपली आप दोस्तों कर दीजिए मूव चैनल। आपको यहाँ पे पेशेंस का दोस्तों बहुत ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पे आप थोड़ा जल्दीबाजी करोगे तो आपके चैनल साथ दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपके सब्सक्राइबर जो हैं दोस्तों जा सकते हैं। इस पर दोस्तों आप ध्यान रखिए और यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ लिख के आ रहा है 10 मिनट में आपका हो जाएगा, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली आप कर दीजिए ओके, और यहाँ देखिए आपको एक्सेस कुछ देरी में आपको मिल जाएगा। आपका जो नॉर्मल चैनल है वो एज ए ब्रांड अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और दोस्तों आपका जो चैनल है आप वहाँ पर ईजिली एक्सेस कर पाओगे। तो इस प्रकार आप अपने YouTube चैनल को एज ए ब्रांड अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो दोस्तों काफ़ी इजी और काफ़ी आसान है। अगर आप भी अगर चाहें तो अपने YouTube चैनल को एज ए ब्रांड अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो उम्मीद दोस्तों आप इस मेथड का इस्तेमाल करके अपने YouTube चैनल को एज ए ब्रांड अकाउंट शिफ्ट कर लेंगे। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने ब्रांड अकाउंट को दूसरे ईमेल आईडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी दोस्तों आपका जो YouTube चैनल है उसको दूसरे ईमेल आईडी पर कैसे शिफ्ट करते हैं, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को दोस्तों फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। खैर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।